इस 35 किलोमीटर पर भी फिलहाल रूस का ही कब्जा है। खबर आ रही है, हालांकि जो बात आप दोनों कर रहे हैं उसका जिक्र एम्बेसी ने भी वहां पर किया था, रशियन एम्बेसी ने इस बात का जिक्र किया था। लेकिन अगले 24 घंटे यूक्रेन पर भारी पड़ सकते हैं और कीव पर भी ये भारी हो सकते हैं, ये नई जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि नए सिरे से एक बार फिर घातक हमलों की फिराक पे रूस यहां पर है और कब्जे के लिए निर्णायक मोड़ देने की तैयारियां जो हैं वो भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। कल हुए हमले की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। बोर्दियांका में बात की जाए तो हवाई हमला होता है, पूरा का पूरा कस्बा जो है वो वहां पर उड़ा दिया जाता है। अगले 24 घंटे यहां बहुत भारी है।